Now, let's start with chapter number 26, children, which is measuring weight. तो आप कहीं सामान लेने जाते हो, अगर आप सब्जी लेने ही जाते हो तो सब्जी वाला क्या करता है, पहले आपकी वेजिटेबल्स का वेट करता है, तभी तो वो आपसे पैसे लेता है. तो लेट्स सी कि हम वेट्स में क्या पढ़ेंगे. द एब्रिवेशन फॉर पाउंड्स इज LBS, एब्रिवेशन फॉर ओन्स इज ओस, एंड एब्रिवेशन फॉर टन्स इज टी. तो मतलब एब्रिवेशन का मतलब क्या है कि अगर हमें पाउंड्स, अगर हम किसी चीज़ का वेट पाउंड्स में करते हैं तो हम पूरा पाउंड्स ना लिख के सिंपल उसको LBS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे ही अगर हम ओस लेते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओस से, एंड देन टन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल टी से. सो सी, सर्कल द नंबर दैट इक्वल्स टू द वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. तो हमें यहाँ पर सर्कल करना है जितना हमारा टोटल वेट होगा. सी द फर्स्ट वन, हाउ मच डज द ट्रेन वेज इन टन. तो अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेन को वे किया कि ट्रेन जो है उसका वेट कितना है. तो आप यहाँ से देख सकते हो, इट इज 1 ton + 1 ton. तो कितने टन्स हुई ट्रेन, इट इज 2 tons. Now see this. How much does the P weigh in ohms? तो हमें इसको ohms में निकालना है. तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इनका आंसर हो गया 8 ohms. Then how much does the cat weighs in pound? तो अब हमें इसका वेट निकालना है pounds में. तो हम कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3. So it is 3 LBS. Then see the question 4, children. How much does the present weighs in ohms? तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट वेज 10 ohms. So this is the required answer.